गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के दो जवानों पर धार्मिक नारा लगाकर एक संदिग्ध ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। धार्मिक नारा लगाते हुए संदिग्ध मंदिर परिसर के अंदर घुस गया और इससे पहले उसने एक जवान की राइफल छीनने का प्रयास भी किया था। पुलिस के जवानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से बरामद बैग से धारदार हथियार, लैपटॉप, पैन कार्ड और फ्लाइट के कुछ टिकट समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। आरोपी की पहचान गोरखपुर के थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद अहमद मुर्तजा के रूप में हुई है और आरोपी आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियर की पढ़ाई भी करता है। तो पीएसी के जवान पर हमला हुआ। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवानों पर दरअसल ये हमला किया गया है। हमले में पीएसी के दो जवान भी घायल हो गए हैं।